So, when you look at how Abrahamic societies evolve themselves, तो आपको पता लगेगा कि एक पूरा उनका थियोलॉजी जो है, दैट इज बेस्ड ऑन कमांडमेंट्स। तो अगर आप वो कमांडमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, देन ओनली यू आर अ बिलीवर, अदरवाइज यू आर नॉट। अच्छा, और ये कौन तय करेगा कि आप कमांडमेंट्स फॉलो कर रहे हैं टू बी अ बिलीवर? सो दैट इज द क्लर्जी। तो सारे अब्राहमिक रिलीजियंस में आपको ये कॉमन मिलेगा कि द क्लर्गीज ट्राई टू टैग यू एज नॉन बिलीवर, दे ट्राई टू सर्टिफाई यू वेदर यू आर एलिजिबल, आप लायक भी है कि नहीं बिलीवर होने के लिए या रिलीजन फॉलो करने के लिए। तो ये पूरी जो थियोलॉजी है, ये एक विक्टिमहुड से प्रेरित हुई सिस्टम है। जहां पे रिसोर्सेस कम होते हैं, वैसी ज्योग्राफी में अब्राहमिज्म का बर्थ हुआ था। आई एम नॉट टॉकिंग मैक्सिको, आई एम टॉकिंग के कहां पे ओरिजिन हुआ था। तो जब ऐसी ज्योग्राफीज में ये थियोलॉजी डिवाइस होती है, तो बट नेचुरल सी चीज है कि आप ग्रुपिज्म और अदरिंग के कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करने लगते हैं कि सामने वाले ग्रुप से हमारे वाले ग्रुप को ज्यादा मिलना चाहिए। ये इस प्रकार की थिंकिंग प्रोसेस पूरी एक डेवलप हो जाती है। और क्योंकि फिर ग्रुप को मॉब ऑब्जेक्टिव्स जो है लॉन्ग टर्म, उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर भी चलाना है, तो यू लिस्ट आउट सम रूल्स और वही रूल्स आगे चल के कमांडमेंट्स में ऐड हुए जाते हैं। तो एक ऑलरेडी ओरिजिनल लिस्ट ऑफ रूल्स तो होते ही हैं, जिन पर ऑलरेडी मिक्स मैच चल रहा है हर जगह, सारी अब्राहमिक सोसाइटीज में। उसके ऊपर जो क्लर्जी गैंग है, वो और नए रूल्स बनाती है अपने खुद के इंटरप्रिटेशन लगा के, राइट, प्राइमरी बुक का बहाना बना के। तो आप ये सारी ज्योग्राफी में देखेंगे कि जहां पे भी चर्च का डोमिनेंस रहता है, वहां पे बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच ट्रीटमेंट में आप क्लियर फर्क देख पाएंगे। क्योंकि पब्लिक को उस तरह से ओरिएंट किया जाता है कि सामने वाला ग्रुप हमसे इंफीरियर है और वो लायक ही नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेस को एंजॉय करें जो हम कर रहे हैं। वी आर द वन गॉड चोजन पीपल, ये थियोरी पर एब्राहमिक्स चलते हैं। तो ये जो अदरिंग का आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें इसी के चलते सारा वायलेंस मिडिल ईस्ट हो या सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में हमने देखा। तो सनातन इकोनॉमिक्स इज टोटली ऑपोजिट, राइट, बिकॉज इट सनातन धर्म जहां पे जन्म हुआ है, जो जम्मू बेल्ट में बोलता हूं कि इंडस पे दो धर्म और गंगेटिक प्लेन पे दो धर्म, तो दिस वॉज अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस। ये वो सॉइल थी जहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे। तो वो विक्टिम हुड वाली मेंटालिटी के हिसाब से नहीं चलता, विच इज वाई चारों धर्म में इंडिविजुअल लिबरेशन को बढ़ावा दिया गया है, ना कि कंजम्पशन और स्पेंडिंग को, राइट? तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स के बेस पे सनातन इकोनॉमिक्स का मॉडल चलता है। अब बाकी सारी ज्योग्राफी, स्पेसिफिकली जो आपने मैक्सिको की बात करी, तो मैक्सिको को एक तो पहले उसके नॉर्थ पे जो बड़ा सा शेर बैठा हुआ है विद अ हैवी डिफेंस माइट, और जैसे जैसे उस शेर का ग्लोबल पोलिसिंग का रोल कम होता जाएगा, तो बहुत ज्यादा पेन होने वाला है सारे नेबर्स को, कनाडा, मैक्सिको, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नेशन सभी को। क्योंकि जितने भी कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस होंगे, वो नेबरिंग कंट्रीज में अब फोकस्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब ग्लोबल पोलिसिंग का आपका रोल श्रिंक होने जा रहा है विथ डी डॉलराइजेशन, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैक्सिको की माइंस पे नजर है, फिर कैनेडियन माइंस पे नजर है, ऑस्ट्रेलियन माइंस पे भी नजर है, तो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की माइंस पे नजर है। तो मैक्सिको एक ऐसा था जो विच इज वेरी रिसोर्स रिच, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग अगर उनको डेवलप और ओरिएंट किया जाए। लेकिन चर्च और एब्राहमिज्म का जो एक डोमिनेंस है, वो पकड़ में से पॉपुलेशन बाहर नहीं आ पाती है, बिकॉज एक गॉड फियरिंग का जो
जो उन पर इम्पोजिशन है कि आपकी लाइफ ही गॉड फियरिंग होनी चाहिए, मतलब आप ये रूल्स अगर नहीं फॉलो कर रहे, जो क्लर्जी बता रहे हैं, जो भी आप फादर, ये सेकंड फादर, दो दो फादर होते हैं, तो ये जो फादर बता रहे हैं वो अगर रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन गॉड फियरिंग लाइफ जो रिलीजियंस में है, आप सनातन धर्म में नहीं देखेंगे, बिकॉज वी आर कर्मा फियरिंग लाइफ पीपल, वी आर नॉट गॉड फियरिंग लाइफ कॉन्सेप्ट। तो पूरा क्लैश है। एक जो अब्राहमिज्म का आदेश फिलोसॉफी चलता है, विच इज यही कमांडमेंट्स हैं, यही फॉलो करने हैं, तो ही आपको ग्रुप के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एज अ सब्सक्राइबर टू द ग्रुप, राइट, एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर टू द ग्रुप, गॉड सेंट, गॉड चोजन पीपल। सामने सनातन इकोनॉमिक्स का मॉडल है जो बोलता है लाइफ प्रिजर्वेशन, सीकिंग, शेयरिंग विथ एवरीवन, और मिनिमलिज्म लाइफ, क्योंकि लिबरेशन की बात हो रही है तो उसमें मटीरियलिस्टिक एक्यूमुलेशन तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन धर्मा एंड रिलीजन, जो हर जगह प्ले आउट होता है। और क्योंकि मैक्सिको ऑब्वियसली उसको कोई ओरिएंटेशन नहीं है धर्मा के बारे में, तो पूरा एक एब्राहमिक थॉट प्रोसेस के इम्पोजिशन के तहत इकोनॉमी जो है वो बहुत ही पुअर, इसके बावजूद के रिसोर्सेज है फिर भी वो पुअर रहेगी। और एक पूरा क्रिमिनल जो ड्रग्स वाला और वो सब कार्टल चलता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा सपोर्ट है इलीगल एंट्री इनटू द यूएस, जहां पे चर्च के बहुत सारे रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन और ये सब फैमिली रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स चर्च रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो जिसकी वजह से ज्यादा क्राइम और विक्टिमहुड और भी ज्यादा फैलता है इन द सदर्न बॉर्डर। सेम थिंग देखते हैं कि पूरे साउथ अमेरिका में सेम सिचुएशन है, चाहे कोई भी कंट्री हो लैटिन की, सबका सेम सिचुएशन है। ब्राजील भी हो, ब्राजील नंबर वन इकोनॉमी है वहां का, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा है कि इलीटिज्म बहुत ज्यादा है। और आपने बोला गॉड फियरिंग, गॉड फियरिंग तो कुछ है नहीं, इधर चर्च फियरिंग है, क्योंकि चर्च इतना कंट्रोल करता है माइक्रो मैनेज पे कि मैं तो शॉक हो गया था सुन के कि पेरू का गवर्नमेंट जो है कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले स्पेनिश मोनार्क को रिक्वेस्ट भेजती है और स्पेन का किंग उसको अप्रूव करता है, ऐसा मैंने सुना वहां पे। लेकिन फिर भी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी डीडॉलराइजेशन देख रहे हैं, बैंक्स का बैंक्स कोलैप्स हो रही है, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। और ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका इज अमेरिका नॉट अदर्स। बोला रशिया भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अमेरिका मेन प्रॉब्लम है। एंड लोगों को काफी अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन ये सब बोलने की बातें हैं, ये सब इम्प्रेस करने की बातें हैं। स्पीच राइटर ने कुछ लिखा होगा, मतलब ऐसा साइंस में कुछ है नहीं। तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है? लाइक डू यू थिंक कि अमेरिका अपना कोर्स बदलेगा, चाहे अगर कोई दूसरा ट्रम्प वापस आ गए तो, प्रेसिडेंट हो गए तो? आदित्य जी, जहां तक मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखता हूं, मुझे नहीं लगता कि तीस, मतलब आपका एक जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है, इट्स लाइक अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड काइंड ऑफ अ थिंग। तो जहां तक मुझे समझ आता है कि जितने भी ऑफिशियल विजिट्स भी आपके गवर्नेंस ऑफिशियल्स या लीडर्स की होती है, तो एक हम झलक देखते हैं लाइक अ सेल्समैन, कि वो कुछ कंपनी का प्रोडक्ट बेचने आए हो, एक वो वाली फीलिंग आती है जब भी कोई वेस्टर्न लीडर या ऑफिशियल विजिट पे आता है कोई गवर्नेंस का पर्सन, तो वो कहाँ तक अनकॉम्प्रोमाइज रहा है वो बंदा इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमेरिकन सिटीजन्स, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये जो कंपनीज का पूरा डोमिनेशन है, जो पॉलिसीज बहुत सारी डिफाइन करती है और इन्फ्लुएंस करती है, और उनके अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी में आपने चेयर प्रोफेसर बना दिया, गूगल का चेयर प्रोफेसर, माइक्रोसॉफ्ट का चेयर प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, और वहां से प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन वाले रिसर्च रिपोर्ट्स चाहते हैं गवर्नमेंट में फॉर मेकिंग द पॉलिसी, और वो भी उन्हीं लोगों के हाथ में जाते हैं जो यही कंपनी से रिटायर होके फिर
गवर्नमेंट ऑफिशियल बने होते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट भी वापस सम ऑफ दीज कंपनीज दे आर गोइंग टू ज्वाइन. तो ये पूरा यू आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि कहाँ तक ये पब्लिक को रिप्रेजेंट भी करते हैं. तो आई एम रियली डाउटफुल अबाउट इट, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में जाते हैं वहां भी गाली पड़ती है इनको, एशिया में आते हैं वहां भी गाली पड़ती है. सऊदी अरेबिया, यूएई ने तो फोन उठाने से मना कर दिया आपके प्रेसिडेंट का. उसके बाद ब्लिंकन की एपोलॉजी टूर डिक्लेयर हुई थी वो भी कैंसिल कर दी. फिर ब्लिंकन को बोला गया कि आप किसी तीसरे देश में मैं जाने वाला हूं वहां आके माफी मांग लेना. तो ये क्योंकि जब आप सेल्समैन की तरह पोज करोगे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी कंपनी का, तो फिर आपका स्टेटस एज अ लीडर सामने वाला काउंटर पार्ट क्या एसेस करेगा आपके बारे में. इफ दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव यू गॉट दैट आई एम कमिंग हियर फॉर सेलिंग समथिंग. तो मुझे लगता है कि जब ट्रंप बोलते हैं कि अमेरिका का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अमेरिका में ही है, तो आई थिंक दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. आई डोंट नो हाउ फार ही इज एबल टू जेल अप विद दिस कंपनीज एंड कम बैक टू पावर, बट जो मैं स्टेटमेंट्स और बिहेवियर देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता दिस कंपनीज वुड बी इन अग्रीमेंट टू ब्रिंग हिम बैक टू पावर. आई थिंक इट्स डाउटफुल द काइंड ऑफ लाउड माउथ बिजनेस दैट ही हैज. तो फॉर अ पॉलिटिशियन आई थिंक इट्स डिफिकल्ट इफ इज, और फिर उसको इलेक्शन फंड कैंपेन की भी कोई वो फंडिंग की भी जरूरत नहीं है. सो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग कि कोई उसको इन्फ्लुएंस कर पाए. आश्चर्य है ना कि कल कुछ अगर अमेरिका का मॉडल भारत फॉलो करेगा तो सिर्फ बिजनेसमैन ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले. एक्चुअली बिल्कुल सही बोला आपने कि एक कॉरपोरेशन माइंडसेट है और हर जगह सेल्स के लिए जाते हैं. और यहाँ तक कि बोला जाता है कि जैसे सेंटकॉम जो का जो प्रायोरिटीज़ है उसको ही वो एम्बेसडर रिप्रेजेंट करेगा, जो मिलिट्री कमांड जो उस एरिया का है. जैसे अफ्रीका के लिए अफ्रीका कॉम है, सेंटकॉम है, एंड चाइना के लिए नाम कुछ और है, उसका मुझे पता नहीं है उसका नाम. बट दीज कॉम्स दे आर द मिलिट्री कम्युनिकेशन सेंटर्स, ऐसा बोला जाता है कि दे आर द मेन एम्बेसडर्स. और कंट्रीज के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उस मिलिट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं. बस एक ये माइंडसेट है, मतलब फुल फ्लेज दादागिरी टाइप का है कि दैट माय वेपन्स आर स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज हाउ आई एम कंट्रोलिंग इट. सो दिस माइंडसेट डज इट इज इट अंडरस्टूड बाय द कंट्रीज, स्पेशली भारत में ऐसा समझ में आता है लोगों को कि इस तरह के अमेरिका की डिप्लोमेसी है. आई थिंक पिछले 2-3 डिकेड से हम ये कंसिस्टेंटली सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका का जो डिप्लोमेसी होता है वो बहुत ट्रांजैक्शनल नेचर का होता है कि शॉर्ट टर्म. अब मुझे लगता है कि अब हर जगह ये एक्सपीरियंस हो चुका है सभी को. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ने अब ये समझ लिया है कि ये सेल्समैन ही है. तो मतलब या तो कुछ बिकेगा या तो कुछ नहीं बिकेगा ऑन देयर विजिट. सो दैट्स द काइंड ऑफ कंक्लूजन एवरीबडी हैज कम टू. तो विच इज वाई अब सामने वाला भी वैसा ही बिहेवियर दिखाएगा कि हमने प्रोडक्ट लेना है या हमने प्रोडक्ट नहीं लेना है. तो आई थिंक जो एजेंडा सेट होते हैं उसमें अब पीपल टू पीपल टाइज को बहुत कम वेटेज ऑटोमेटिक हो जाता है, बिकॉज कि जब सामने से जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है नॉट कीन ऑन डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स. ठीक, तो आप जैसे यूक्रेन वॉर देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो वो यूएस टैक्स पेयर्स के पैसे ही यूक्रेन के थ्रू राउट होके वही डिफेंस कंपनीज को जा रहे हैं जो 2024 का इलेक्शन फंड भी करेंगे. ये तो मतलब सबको समझ आती है ये बात. ठीक, और फिर जब एक बार यूक्रेन तबाह हो जाएगा तो फिर वो रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन एड वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो है. तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म टेकिंग ओवर गवर्नमेंट, तो ये तो हम देख ही रहे हैं मूवमेंट पिछले 30-40 ईयर्स से. और स्पेसिफिकली जैसे मैंने आई थिंक लास्ट प्रीवियस टॉक्स में भी बताया था कि प्रेजिडेंट JFK वॉज द फर्स्ट first incident of being the victim of this military industrial complex cartel ya US deep state jo bhi bol lo
अभी मैं देख रहा था, देयर वाज अ वीडियो बाय अ सीनियर आर्मी लेडी ऑफ द यूएस टॉकिंग के मेक्सिको में माइंस हैं. तो दिस ऑलमोस्ट रिजेंबल्स लाइक पाकिस्तान आर्मी was interested in selling lands and biscuits and nappy and refrigerators, and it almost matches something like that, and it's really sad.